May 20th, 1990। ये दिन एक बाप कैसे भुला सकता है, क्योंकि इसी दिन तो उसने रोड एक्सीडेंट में घायल हुए अपने बेटे को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया था। सब वहां पर मौजूद थे सिवाय सीनियर सर्जन के। शायद उसी के हाथों में लड़के की मौत और जिंदगी का फैसला था, इसीलिए सभी ने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, इस उम्मीद में कि वो किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाए और बच्चे की जान बचा ले। मगर सीनियर सर्जन ने फोन उठाना तो दूर की बात, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और शायद इसी के साथ एक बाप की बचाने की सारी उम्मीदें भी डिस्कनेक्ट हो गई। उस दिन बिजलियां भी बहुत तेजी से कड़क रही थी, मानो जैसे खुदरत ने भी फैसला ले लिया था कि उस लड़के की जान बच जाए और इसलिए डॉक्टर वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर जैसे ही वहां पर आता है, उसने किसी से भी बात करना जरूरी नहीं समझा और लड़के के बाप को दो शब्द सिंपैथी के देना शायद उसकी मर्जी के खिलाफ था, या यूं कहिए उसकी रेपुटेशन के खिलाफ था। और आते ही उसने ऑपरेशन की तैयारी की और ऑपरेशन 2 घंटे तक चला, सक्सेसफुल भी रहा। डॉक्टर जितनी तेजी और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, उससे कई ज्यादा जल्दी अब हॉस्पिटल से चला जाता है। बाप ये सभी बातें वहां बैठी हुई नर्स को कहता है और पूछता है कि ये डॉक्टर को किस चीज का इतना घमंड है, क्या उसकी सीनियरिटी का या उसकी रेपुटेशन का, क्या जज्बात और फीलिंग्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सब सुनकर नर्स जवाब देती है कि शायद डॉक्टर के लिए जज्बात ही सब कुछ है, वरना वो आज अपने बेटे के जनाजे को छोड़कर उस आदमी के लड़के को बचाने हॉस्पिटल नहीं आते। जी हाँ, डॉक्टर ने एक ही रात पहले अपने इकलौते बेटे को कार एक्सीडेंट में खो दिया था। ये सुनकर लड़के के बाप के पैरों तले जमीन निकल गई, और इसीलिए शायद May 20th, 1990 वो कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि जिसने उसके बेटे की जिंदगी बचाई वो उसका शुक्रिया तक अदा नहीं कर सका। तो आपने देखा ही होगा कि जिस डॉक्टर ने इतना बड़ा गम रखते हुए किसी और को एक नई जिंदगी दी, उसे गलत समझा गया, और ऐसा करने वाले उस बाप को मिला उम्र भर का पछतावा और रिग्रेट कि उसने डॉक्टर को गलत समझा। तो गाइस, ऐसा हम सभी के साथ हुआ होगा या फिर आगे जाकर हो भी सकता है। हम किसी और को गलत समझ सकते हैं, तो कोई और या कोई अपना भी हमें गलत ले सकता है, और ऐसा करने से हमारे रिश्ते या तो कमजोर पड़ जाते हैं या तो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो आप सभी के लिए ये सजेशन है कि किसी भी इंसान के लिए जल्दबाजी में राय मत बनाया करिए, क्योंकि इंसान कभी कोई बुरा नहीं होता। बुरे और अजीब तो ये वक्त और हालात होते हैं जो इंसानों को ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। किसी भी इंसान के लिए राय बनाने से पहले उसे अच्छी तरीके से जांच लीजिए और परख लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को पछताना पड़े, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरा इस सोशल कैंपेन में जरूर साथ दें। आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और जहां जहां हो सके प्लीज वीडियोस को शेयर करें। हो सकता है कि इन वीडियोस की मदद से जहां कहीं भी रिश्ते टूटे हुए हैं या बिखरे हुए हैं वापस से जुड़ जाएं, लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर